तो ऐसा नहीं है कि कोरोना के खतरे को कम करने के लिए या मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ आरपीएफ सामने आई हो, रेलवे की तरफ से भी तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल में लगातार पीपीई किट बनाने का काम किया जा रहा है। उस वर्कशॉप का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने, आप भी देखिए। पूर्व मध्य रेल ने खास तैयारी शुरू की है और वो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने की तैयारी, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन सूट जो है वो तैयार करवाया जा रहा है। और देखिए इस पूरे वर्कशॉप में ये तैयारी चल रही है। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं इस सूट में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से ये काम चल रहा है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर मटेरियल को कट किया जाता है, उनको स्टिच किया जाता है, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, टेप इस पर लगाया जाता है। ये जो टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेप है, कहते हैं इसी टेप से जो स्ट्रांगनेस है आपके सूट की वो बढ़ती है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ शख्स हैं वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस काम की, कैसे इसको बनाते हैं जरा प्रोसेस बताइए। हम लोग ये रेलवे द्वारा प्रोवाइड जो भी ये मटेरियल्स है उसका फर्स्ट टाइम उसका स्टिचिंग कटिंग करवाते हैं। कटिंग के बाद स्टिचिंग के लिए आता है और स्टिच होने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये एंटी बैक्टीरियल टेप है जो रेलवे द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। ये टेप उसमें स्टिच होने के बाद ये पूरा रेडी होता है। रीयूजेबल होता है? नहीं, डिस्पोजेबल है। वन टाइम यूज है। ये हर दिन ऐसे 200 सूट तैयार हो रहे हैं दानापुर मंडल में, इस तरह से 200 सूट की तैयारी चल रही है। और देखिए इस वर्कशॉप में किस तरीके से आपको तमाम जगह पर जो लोग हैं वो काम करते हुए दिखेंगे। कोई एंटी बैक्टीरियल टेप लगा रहा है, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है। ये स्पेशल मटेरियल है और ये वन टाइम यूज़ है। इस तरीके से 30,000 से ज़्यादा सूट तैयार होने हैं। ये जो पीपीटी है ये 30,000 से ज़्यादा तैयार होने हैं और कोशिश ये है कि हर दिन एक टारगेट सेट किया जाए, वो टारगेट वर्कशॉप्स को दिए जाते हैं। और पूर्व मध्य रेल की ये कोशिश है कि किसी भी विपत्ति से निपटने को हमारी ये खास तैयारी जारी रहे। और उसके लिए देखिए किस तरीके से वर्कशॉप में दिन रात लोग लगे हुए हैं। ये भी हमारे वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं, इस संकट से उबरने में हमारी मदद कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर 750 से ज़्यादा इस तरह से पीपीटी सूट तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि 30,000 का जो इनका टारगेट है एक महीने का वो भी पूरा हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।